और आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योशिहिदे सुगा जो जापानीज प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए एक दूसरे का। योशिहिदे सुगा जो जापानीज प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे मुलाकात की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वाड समिट कल है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान और भारत, इनके राष्ट्राध्यक्ष मिलेंगे। उससे पहले ये बैठक काफ़ी अहम। चीन जो है वो आंखें दिखाता रहा है जापान को, और कहीं ना कहीं भारत और जापान के लिए एक बड़ा कंसर्न, तो ये मुद्दे भी डिस्कस हो सकते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक है। जिस होटल में प्रधानमंत्री ठहरे हैं उसी होटल की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ देर पहले पहुंच गए थे जापानीज प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर, और इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है। और उससे पहले ये देखिए आप, बैठक जो है प्रधानमंत्री के साथ होने वाली है, काफ़ी महत्वपूर्ण। कल क्वाड देशों की बैठक होगी। उससे पहले जैसा कि हमने आपको बताया, प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन से बात की थी, बैठक की थी, और अब जापानीज प्राइम मिनिस्टर से मिलते हुए प्रधानमंत्री, तो काफ़ी महत्वपूर्ण उस दिशा से अगर देखा जाए ये बैठक भी, क्योंकि भारत का सच्चा दोस्त जापान है। और जो चाइना है, जिस तरह से आंखें दिखाता आया है जापान को, और कल क्वाड मीटिंग में ये काफ़ी अहम मुद्दा रहने वाला है चीन, तो उससे पहले ये बैठक जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने आज एक के बाद एक मीटिंग्स की, 5 सीईओ से मिले जिसमें 2 भारतीय मूल के थे। 15-15 मिनट का सबके लिए वक्त तय था, मुकर्रर था। इसी होटल में जहां विलॉट होटल जहां ठहरे हैं प्रधानमंत्री, वहीं मुलाकात की थी। फिर स्कॉट मॉरिसन आए ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर, उनसे मुलाकात की, और फिर प्रधानमंत्री गए थे व्हाइट हाउस, जहाँ उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ पहले साझा बयान दोनों देशों के लीडर्स का हुआ, फिर उसके बाद अनौपचारिक भेंट हुई दोनों की। एक बैल्कनी में तस्वीर हमने आपको दिखाई थी, और उसके बाद द्विपक्षीय बैठक हुई जिसमें दोनों ही देशों के जो नेता हैं उनके अलावा उनके प्रतिनिधिमंडल एक दूसरे के आमने सामने थे। और फिर हमने आपको बताया था कुछ देर पहले जापानीज प्राइम मिनिस्टर योशिहिदे सुगा आए थे इस होटल में, विलॉट होटल में, और फिर प्रधानमंत्री कुछ देर बाद पहुंचे, और ये बैठक अब चल रही है इस वक्त, तो काफ़ी महत्वपूर्ण। भारत का सच्चा दोस्त जापान, और उस दिशा से अगर देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ये बैठक प्रधानमंत्री मोदी की। और द्विपक्षीय मुद्दों पर ये बातचीत भी हुई है प्रधानमंत्री मोदी और जापानी प्रधानमंत्री की। और कल क्वाड देशों की बैठक है जिसमें कई सारे मुद्दे डिस्कस होने हैं, क्लाइमेट चेंज, उसके अलावा कोविड, और अब भी आप तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जापानी प्रधानमंत्री सुगा के साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें हैं। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक है, और चीन की नज़र, पाकिस्तान की नज़र क्वाड देशों की बैठक पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका जो दौरा हुआ है उस पर नज़र है पाकिस्तान की और चीन की। जाहिर बात है, बड़ी ताकतें एक साथ कल बैठक करने जा रही हैं। क्वाड देशों की बैठक है जिसमें चारों देशों के राष्ट्राध्यक्ष एक दूसरे के आमने सामने होंगे और बातचीत करेंगे। कई सारे मुद्दे उसमें डिस्कस होने हैं। उससे ठीक पहले आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण, एक के बाद एक मीटिंग प्रधानमंत्री ने की, 5 सीईओस के साथ मिले, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन के साथ मिले, फिर कमला हैरिस के साथ मुलाकात हुई, द्विपक्षीय बातचीत हुई दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल के बीच। और आज अब जो आखिरी मुलाकात है वो जापानीज प्राइम मिनिस्टर योशिहिदे सुगा के साथ हो रही है, और यह आज का आखिरी कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। कल जो बाइडेन से मुलाकात होनी है, और उससे पहले जैसे कि हम तमाम मेहमानों से बात कर रहे थे, उनका ये कहना था कि एक पुल का काम कर रही हैं कमला हैरिस, और वो जाहिर बात है जो बाइडेन को ब्रीफ करेंगी। प्रधानमंत्री ने जो जो बातें उनको बताई हैं, जो बातचीत उनकी हुई प्रधानमंत्री से, और अब ऐसे में ये आखिरी मीटिंग जो है वो बातचीत हो रही है जापानी प्रधानमंत्री से। और जैसे कि हमने आपको बताया, रिज़ाइन कर चुके हैं, इस्तीफा दे चुके हैं, तो उस लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण ये बैठक हो रही है उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत हुई, जाहिर बात है चीन भी डिस्कस हुआ होगा, और कल क्वाड देशों की बैठक है, तो ऐसे में उससे पहले ये मीटिंग काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। भारत और जापान की दोस्ती काफ़ी पुरानी है, और चीन को ये बात हमेशा से अखरती आई है, और चीन जो है वो दोनों के साथ जो है वो कई सारी हरकतें कर चुका है। और जाहिर बात है एक बड़ा मुद्दा चीन रहा है इस बैठक में, डिस्कशन का मुद्दा। और कल क्वाड राष्ट्राध्यक्ष आपस में मिल रहे हैं, तो उससे पहले ये
आखिरी बैठक आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापानी प्रधानमंत्री के साथ। जैसे कि हमने आपको बताया, प्रधानमंत्री तब व्हाइट हाउस में थे, विलाड होटल जहां प्रधानमंत्री ठहरे हैं वहां पर जापानीज प्राइम मिनिस्टर पहले आ गए थे, प्रधानमंत्री बाद में आए हैं और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। क्वाड समिट में कल मिलने वाले हैं, उससे पहले ये मुलाकात काफ़ी महत्वपूर्ण है। जाहिर बात है पहले ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन से बात हुई, उनके साथ भी उनका रिश्ता जो है काफ़ी पुराना है, उसका जिक्र हमेशा से हुआ है कि दो बार उनको भारत आना था अलग अलग मौक़ों पर, लेकिन कोविड की वजह से नहीं आ पाए ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर। और फिर उन्होंने ट्विटर डिप्लोमेसी उनके बीच में चलती रही, उन्होंने कहा कि मोदी जो है बहुत अच्छे इंसान हैं, और उसी तरह से रेसिप्रोकेट किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी, यानी वो जो दोस्ती जिसके लिए प्रधानमंत्री जाने जाते हैं, जो सहजता है प्रधानमंत्री की और रिश्तों को एक तरह से सींचने का वो काम करते हैं, और उसी अंदाज में लगभग ये बैठक भी चल रही है। भारत जापान का रिश्ता बहुत पुराना, तो उसके मद्देनज़र ये जो बैठक है काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा सकती है। और हम लगातार आपको बता रहे हैं कि चीन दोनों के साथ कई बार जो है हरकत से बाज नहीं आया है, और एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है चीन। तो ये वॉशिंगटन डीसी से सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं आज के दिन का ये आखिरी प्रोग्राम, जब जापानी प्रधानमंत्री योशिहितो सुगा से मिल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। काफ़ी बिजी शेड्यूल आज प्रधानमंत्री का रहा, एक के बाद एक बैक टू बैक मीटिंग्स थी, सारी मीटिंग्स लगभग इसी होटल में थी, विलाड होटल। जैसा कि हमारे सहयोगी देवेंद्र पराशर बता रहे थे कि कॉर्डन ऑफ किया गया एक पूरे हिस्से को, क्योंकि एक मेन रोड वहां से होकर गुजरता है तो उस रोड को रोक पाना मुश्किल, इसलिए कॉर्डन ऑफ किया गया है, सिक्योरिटी बहुत टाइट की गई है। हमने वो तस्वीर भी आपको दिखाई थी जब प्रधानमंत्री का कॉन्वॉय निकला था, लगभग एक किलोमीटर का फासला है व्हाइट हाउस और इस होटल के बीच में, तुरंत प्रधानमंत्री पहुंचे थे व्हाइट हाउस जब कमला हैरिस के साथ उन्होंने साझा बयान जारी किया। और भारत ने जिस तरह से कोविड को लेकर काम किया और वैक्सीन को लेकर जिस तरह से भारत ने काम किया उसको सराहा कमला हैरिस ने, और फिर प्रधानमंत्री ने भी आमंत्रण दिया, न्योता दिया कमला हैरिस को भारत आने की बात कही। उन्होंने कहा कि आप जब उपराष्ट्रपति बनी तो भारत में काफ़ी खुशी थी इस बात को लेकर, और आप जिस तरह से चुनौतीपूर्ण वक्त में आप दोनों ने अमेरिका की बागडोर संभाली और बहुत ही थोड़े वक्त में आपने कई चुनौतियों से निपटकर दिखाया, वो एक मिसाल है। और आपका उपराष्ट्रपति चुना जाना एक तरह से ऐतिहासिक है, और भारत इसको सराहता है और भारत आपको आमंत्रित करता है। और उस बैठक में क्या कुछ हुआ उसकी डिटेल भी कुछ वक्त के बाद आएगी, वो भी हम आपसे साझा करेंगे। लेकिन ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं ये भी ऐतिहासिक तस्वीर है, योशिहितो सुगा जो जापान के प्रधानमंत्री हैं, द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी, और रिजाइन कर चुके हैं, इस्तीफा दे चुके हैं, तो उस लिहाज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण इसे कहा जा सकता है। जैसे कि हम तमाम मेहमानों से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि नेता भले ही बदल जाएं लेकिन नीतियाँ जो हैं वो नहीं बदलती।